हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी शाम के 4:30 बजे हैं, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर MR शर्मा के यहाँ पे। पहले भी गई थी, आपने वो जो वीडियो देखी है उसे बहुत सारा प्यार दिया है, उसके लिए थैंक यू। तो आज मुझे फिर से जाना है वहाँ पे। आपके बहुत सारे कमेंट आए हैं, उन कमेंट का मुझे जवाब देना है। और मुझे क्या बताया था, फिर अभी क्या इम्प्रूवमेंट है, वो सब मैं आज आपको बताऊंगी। आज प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखिएगा। तो अभी जाऊंगी, थोड़ी देर बाद वो आने वाले हैं ऑफिस से। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। फ्रेंड्स, हम लोग 7 बजे पहुंच गए थे वैद्य जी के पास, लेकिन उस समय काफ़ी भीड़ थी। देखिए कितनी भीड़ हो रखी है। और सुबह से ही बता रहे हैं कि आज बहुत ही भीड़ थी, 10 बजे से ही इसी तरह मरीजों का तांता लगा हुआ था। और हम लोग यहाँ भीड़ होने के कारण पास ही बिल्केश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ चले गए थे आरती करने के लिए। और मंदिर से आए हैं लौटकर लगभग 9 बजे के आसपास, और हमें 10 मिनट का वेट करने के बाद ही अंदर भेज दिया गया था, क्योंकि हम जा रहे थे दूसरी बार वैद्य जी के पास। पहली बार में ही सिर्फ वेटिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, दूसरी बार तो आपको 1 से 100 तक का जो 100 मरीजों का ग्रुप है आपको उसी के साथ अंदर भेज दिया जाता है। आज बहुत भीड़ लास्ट में हम लोग भी अपनी लाइन में लगे हैं। रूम के अंदर भी, जिस रूम में वैद्य जी बैठते हैं वहाँ भी अंदर काफ़ी भीड़ होती है, और एक एक कर मरीजों को देखते हैं वैद्य जी, और उनके जो असिस्टेंट हैं वो साथ में दवा लिखते रहते हैं, क्योंकि वैद्य जी तो कोडिंग में दवा लिखते हैं। और हम लोगों का नंबर भी बस आने ही वाला है, लगभग हमसे 10-15 लोग आगे हैं हमसे। हमने वैद्य जी को दिखा दिया है, अभी हम वेटिंग कर रहे हैं दवा मिलने की, क्योंकि वैद्य जी के दिखाने के बाद थोड़ी देर वेट करने के बाद ही आपको दवा मिलती है। जैसे ही हम वैद्य जी के रूम से बाहर निकले तो हमें हमारे एक सब्सक्राइबर मिले हैं। ये हमारे सब्सक्राइबर हैं शैलेंद्र जी कानपुर से, इन्होंने हमें धन्यवाद भी दिया है वीडियो के लिए, और बोल रहे थे कि मैं आपकी वीडियो ही देखकर यहाँ आया हूँ। ये अपने दादाजी और अपनी मौसी जी को लेके यहाँ आए थे वैद्य जी के पास, और काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके हमें। देखिए फ्रेंड्स, ये है वेटिंग रूम, यहाँ पर आप बाहर भी बैठ सकते हैं, और एक अंदर भी ये हॉल बना हुआ है, इसमें भी काफ़ी लोग प्रतीक्षा करते हैं अपनी बारी आने का। और अंदर तो लोग दूसरे कमरे में तो लोग चटाई डाल के लेट भी रखे थे, जिनकी सुबह के टाइम ट्रेन होगी, और काफ़ी लोग रुकते भी हैं यहाँ वैद्य जी के पास ही रात को। और देखिए फ्रेंड्स, 10 बज चुके हैं और अब हमारा नंबर आया है, खिड़की से हमारा नाम पुकारा गया है, तो हमने फिर एक महीने की दवा ली है यहाँ से। कुछ दवा हमें गेट से बाहर जो मेडिकल स्टोर है इनका, ये यहाँ पर भी दवा अवेलेबल होती है, कुछ दवा अंदर से मिलती है और कुछ दवा इस स्टोर से मिलती है। तो फ्रेंड्स, दवाई वगैरह हमने ले ली है और अब हम जा रहे हैं घर। और आपको टाइम बता दूं तो 10:30 बजे। तो जी फ्रेंड्स, 10:30 बज रहे हैं, दवाई वगैरह हमने सब ले ली है आज पूरे। उन्होंने मतलब जब हम लाइन में लगे थे तो 600 पेशेंट वो देख चुके थे, हमारे साथ 10 पेशेंट और थे, 610 तक नंबर था उस टाइम तक। उसके बाद भी बहुत सारे पेशेंट बचे थे, बट अभी भी उन्होंने बोला है कि जो बैठे हैं मतलब 1 से 100 नंबर तक अभी अंदर गए थे हमारे सामने, जो सुबह शायद जिनकी ट्रेन वगैरह होती होगी वो तो वो जल्दी नहीं आ पाते होंगे, तो जो सुबह नंबर लिखवा रखा था जिन्होंने वो अब गए हैं वेट करने के बाद। तो अब आप देखिए कि पूरा दिन में शायद 1000 के आसपास ये पेशेंट देखते होंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद लगी। क्या वो तो वो है जिन्होंने नंबर लिखा रखा था, हाँ, डायरेक्ट पर्चे वाले इतने पेशेंट, जो डायरेक्ट पर्चे वाले जैसे 1500 पेशेंट डेली, तो हम लोगों को लिखवाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ अपना जो पर्चा पुराना पर्चा था वो लेके हम डायरेक्ट अंदर गए हैं। हमारा तो खैर जाने के आधे पौन घंटे बाद नंबर आ गया था, थोड़ा सा हम लेट भी हो गए थे। तो अब देखिए मतलब आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बारिश हो रही थी, जब इतनी भीड़ थी, अगर बारिश नहीं होती तो देखिए कितनी भीड़ होती। 11 बज गए हैं, हम घर पहुँच गए और बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ, पहले पुलाव बनाती हूँ और आपसे मिलूँगी मैं कल। तो फ्रेंड्स, हम आ गए थे रात दवाई लेके, थोड़ा सा लेट हो रहे थे, तो मेरी पीरियड में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही थी, कम ज़्यादा इस तरह का थोड़ा सा मेरे साथ दिक्कत थी, तो जिसके लिए मैं डॉक्टर के पास गई थी। वैद्य जी ने मेरी नब्ज देख के मुझे बताया कि जो रसोली है, तो मैंने उसकी फिर दवाई ली उनसे, और वो दवाई खा करीब 2 महीने मैंने लगातार खाई है,
फिर उसके बाद मैंने अपनी डॉक्टर से चेकअप कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, मैंने 2-3 मेरे टेस्ट हुए हैं, तो उसमें रिपोर्ट में मेरा सब रिपोर्ट नॉर्मल आई है, अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल आया बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि एक बार और मैं वैद्य जी के यहाँ जाऊँगी और उन्हें बताऊँगी कि मेरा रिपोर्ट वगैरह सब नॉर्मल आई है, तो वो क्या कहते हैं। तो उन्होंने फिर से मुझे 1 महीने की ही दवाई दी है कि अभी आप 1 महीना और खा लीजिए। तो वो थोड़ा शायद शुरुआत थी, तो रिपोर्ट वगैरह 2 महीने बाद सारी नॉर्मल आई है। तो वो अभी 1 महीने की जो मैं दवाई लेके आई हूँ उसको खाने के बाद मैं फिर से जाऊँगी। तो कुछ कमेंट्स थे आपके वीडियो पे, पहली वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी उस पर काफ़ी सारे कमेंट आए हैं, तो कमेंट्स में काफ़ी सारे डाउट हैं जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। तो किसी ने पूछा है कि खाली पेट देखते हैं, तो ऐसा कोई मतलब मैटर नहीं है कि भाई खाली पेट देखें, क्योंकि आप जब जाओगे तो जाने के बाद आपका नंबर सुबह से दोपहर में आ रहा है कि दोपहर से शाम में आ रहा है या रात में आ रहा है, तो आप खाली पेट नहीं रह सकते पूरा दिन, तो खाली पेट वो नहीं देखते हैं। और दूसरा कमेंट था कि शनिवार को रात को 8 बजे तक देखते हैं, नहीं जी, आप जब तक पेशेंट उनके रहते हैं 10-10:30, क्योंकि हम जब इस बार गए थे तो देखिए 10 बजे तक हमारा नंबर आया था, तो 10-10:30 मतलब जब तक पेशेंट लास्ट तक रहता है तब तक वो देखते हैं, सुबह 8 बजे से लास्ट पेशेंट तक 10:30-11 बजे तक। और फ्रेंड्स कुछ कमेंट ये भी थे कि मतलब रेट क्या होता है दवाई का, तो पिछली बार भी मेरी 280 रुपये की ही दवाई आई थी और इस बार मेरी 280 रुपये की दवाई आई है। कुछ दवाई तो आपको अंदर से दे देते हैं, वो जो पीसी हुई दवाई होती है चूर्ण, और जो पीने का लिक्विड होता है वो आपको स्टोर पे से मिल जाता है उनके यहाँ पे, तो इतनी कुछ खास ज़्यादा महंगी दवाई नहीं है, बहुत ही कम रेट में आपको दवाई मिल जाती है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 महीने की ले रहे हैं या 2 महीने की ले रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। और वैद्य जी हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन देखते हैं, शनिवार को देखते हैं और सोमवार को देखते हैं। तो उनका एड्रेस है और जो उनका फ़ोन नंबर है जिस पे आप उनसे कांटेक्ट करके अपना नाम लिखवा सकते हैं, शनिवार क्या शुक्रवार को नाम लिखवाने होते हैं, और जो सोमवार को दिखाना है तो आप रविवार को आपको नाम लिखवाने होते हैं। तो मैं ये दोनों एड्रेस उनका और फ़ोन नंबर नीचे वीडियो में दे दूँगी, तो आइए दिखाइए वैद्य जी को। और बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, मुझे देखिए आराम मिला है, मैं ये नहीं कहती हूँ मुझे आराम नहीं मिला है, मुझे काफ़ी आराम मिला है। और आप भी आइए, आप भी अपने अगर कुछ आपका डाउट है या कुछ भी आपको दिक्कत है तो अपना दिखा लीजिए आराम से। तो फ्रेंड्स अब टाइम हो गया है वीडियो को एंड करने का, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई और बढ़िया सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।